नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी, अस्सलामुअलैकुम। घोसी पार्लिमानी हलका के नौ मुंतखब एमपी अतुल राय ने आज बनारस की एक कोर्ट में खुद सुपुर्दगी कर दी। ख्याल रहे कि अतुल राय के ऊपर बनारस की ही एक तालबा प्रिया राय ने आबरूरेजी का मुकदमा दर्ज कराया था और तब से लेकर वो फरार चल रहे थे। इस दौरान इलेक्शन भी हुआ और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी भी मिली, लेकिन अभी हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर हलफ बर्दारी चल रही थी, उस दौरान भी अतुल राय हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं कर सके, जो एक मौजूए बहस थी। लेकिन आज जब वो बनारस कोर्ट में खुद सुपुर्दगी करने जा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने अपने फेसबुक आईडी के ज़रिए एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि आज वो बनारस की कोर्ट में खुद सुपुर्दगी करने जा रहे हैं। उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद हैं और बीजेपी फर्जी तरीके से इल्ज़ाम लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। सवाल इस बात का है कि अगर आज प्रिया राय के ज़रिए इल्ज़ाम लगाए गए हैं जो अतुल राय कहते हैं फ़र्जी है, तो क्या 13 इल्ज़ाम इनसे पहले जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हैं, जिसमें कुछ ऐसे मुकदमा हैं जो बहुत ही संगीन हैं, क्या वो सारे भी मुकदमा फ़र्जी तौर से लगाए गए हैं या फिर इनके इनकी कारगुजारी कुछ ऐसी रही है? बहरहाल आज अतुल राय ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। मेरे सभी चाहने वालों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए बनारस के सीजीएम कोर्ट में मैं आत्मसमर्पण करने जा रहा हूं। मेरे ऊपर जिस तरह का एक आरोप एक युवती के द्वारा लगाया गया, उसके बाद भी जनता की अदालत ने जिस उत्साह से मुझे बरी किया, उसके लिए विशेष धन्यवाद उन सभी का, विशेष करके जिन माताओं बहनों ने मेरे ऊपर लगे आरोप को नकार कर मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पक्ष में मतदान किया, विशेषकर उन बहनों को, उन माताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मौजूदा हालात में देश और प्रदेश में चार लोगों पर इस तरह के आरोप लगे। एक, भारत के उच्चतम न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई पर आरोप लगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी पर यह आरोप लगा। तीसरा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर यह आरोप लगा। और चौथा, मेरे ऊपर आपके भाई अतुल राय पर यह आरोप लगा। तीन लोगों के मामले में पुलिस ने जांच पहले की और पुलिस ने जांच करने के बाद उनको क्लीन चिट दी या कोई भी जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई में भाग लिया। लेकिन आपके इस बेटे पर FIR दर्ज की जाती है और FIR के 12 घंटे के अंदर युवती का बयान कराया जाता है कोर्ट में। आप समझिए कि जिस युवती ने पहले भी दो लोगों पर इस तरह का आरोप लगा चुकी थी, उस युवती की बातों पर विश्वास करके पुलिस ने यह काम किया। मेरी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं यही अपेक्षा करूंगा और उत्तर प्रदेश के प्रशासन से, पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी से और बाकी भी प्रशासन के अधिकारियों से यही अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह से अन्य राजनीतिक लोगों के मामले में कार्रवाई हुई या जिस तरह से जांच की गई, आप निष्पक्षता से अपने इस सांसद पर भी आप जांच करिए। मैं इस बात का दावा करता हूं कि भारत की कोई भी जांच एजेंसी है, मैं हर जांच एजेंसी से जांच के लिए तैयार हूं, सीबीआई कोर्ट सीबीआई की जांच के लिए, नार्को टेस्ट के लिए, ब्रेन मैपिंग के लिए, सारी जांच के लिए तैयार हूं। और अंत में मुझे इस देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो मेरे साथ अन्याय नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जल्द ही आपके बीच में लौटूंगा। नमस्कार। अतुल राय की खुद सुपुर्दगी के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। सवाल यह है कि जब हम जात बिरादरी और मजहब की बुनियाद पर इंतखाब करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे ही हमारे MPs मुंतखब होते रहेंगे, फिर उसमें अच्छे और बुरे की कोई तमीज़ नहीं रह जाएगी। आज हम जात बिरादरी और मजहब के नाम पर वोट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा MP अच्छा हो, हमारा MLA अच्छा हो, तो फिर हम कैसे उनसे ये तवक्को रख सकते हैं जब हम जात बिरादरी और मजहब के नाम पर वोट करेंगे? क्योंकि जात बिरादरी और मजहब के नाम पर वोट करने का मतलब यह है कि हम उसकी अच्छाई और बुराई में तमीज़ नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ़ जात और बिरादरी को ही फ़रोग देंगे।
और जब ذات اور برادری اور مذہب کو فروغ دیں گے تو ایسے ہی نتائج برآمد ہوں گے۔ آج اتل رائے ایک نہیں، ایسے بہت سارے اتل رائے جو نمونہ ہیں ہمارے سامنے ہیں، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو پارلیمنٹ کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ اس قابل نہیں ہیں جنہیں ہم اپنا رہنما چن سکیں۔